हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे, प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन इन ब्रीफ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नेशनलिस्ट फीलिंग था लोगों में, जर्मन पीपल्स में, वो मिडिल क्लास लोगों से स्टार्ट हुआ। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन, और उन्हीं लोगों ने क्या किया, ये प्रोसेस चालू किया कि यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो लिया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है, और अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसको वो वीडियो, उसमें सारा चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था वो फर्स्ट स्टेप जो लिया गया था यूनिफिकेशन के लिए वो था। उसमें क्या हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज़ द लिबरल इनिशिएटिव टेकन इन 1848 में लिया गया था बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई गई थी उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें, और वो लोग पार्लियामेंट में एक जगह मीटिंग किए जहाँ पर वो लोग डिसाइड किए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सारे जर्मनी में जो फॉलो होगा। लेकिन क्या हुआ कि हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया कॉल्ड जंकर्स। बनाया तो गया था कमेटी, बनाया तो गया था पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया, वो ज़्यादा दिन चला नहीं, उसको रिप्रेस कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। कौन ख़त्म किया, मोनार्की और आर्मी फोर्स और जो मिलिट्री थे वही, और लैंड ओनर्स, कहाँ के लैंड ओनर्स, प्रूशिया के लैंड ओनर्स, जिसको क्या बोला जाता है, जिनको जंकर्स बोला जाता है। तो वो तीनों मिलकर कंबाइंड फोर्स बनाकर उन्होंने क्या किया, ये पार्लियामेंट को रिप्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट रिप्रेस हो गया, अब इसके आगे क्या स्टेप लिया गया, कौन लिया स्टेप यूनिफिकेशन के लिए, वो देखते हैं। सेकेंड स्टेप जो लिया गया वो था प्रूशिया, ठीक है, प्रूशिया ने लिया। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ़ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए प्रूशिया ने डिसाइड किया कि वो स्टेप लेगा आगे, वो लीड करेगा। तो देखते हैं उसने क्या किया। तो प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, तो उन्होंने क्या किया, वो आर्किटेक्ट थे प्रोसेस करने के, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो मतलब ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो आर्किटेक्ट थे, इनकी जो स्टार्ट किया, जो माइंड में आया जिसके ये, ठीक है, जो इनिशिएट किया, वो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। और उनके साथ और कौन कौन थे, प्रूशियन आर्मी थी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ठीक है, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पर वहाँ के ऑफिशियल्स होते हैं। तो वो सब मिलकर उन्होंने स्टेप लिया। फोर्थ क्या है, थ्री वॉर्स ओवर सेवन ईयर, सात साल में तीन वॉर्स हुए। अब किसके किसके साथ हुए, ऑस्ट्रिया के साथ हुए, डेनमार्क के साथ हुए और फ्रांस के साथ हुए। तो इसको मैं मैप में अच्छे से वो डिटेल में बताऊंगी। और एट लास्ट में जीता कौन, प्रूशिया जीता, ठीक है, ये तीनों को हराकर प्रूशिया जीता। और उसके बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, हैंस कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। तो जनवरी 1871 में क्या हुआ था, जर्मनी, जो यूनिफाइड जर्मनी थी, उसके फर्स्ट एम्परर जो है वो प्रोक्लेम्ड किए गए थे, मतलब बनाए गए थे। तो फर्स्ट जो एम्परर बनाए गए थे वहाँ के, वो कौन था, केज़र विलियम वन। ऐसे तो उनका नाम विलियम वन है, लेकिन केज़र का मतलब होता है जर्मनी में किंग, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में केज़र का मतलब होता है किंग, तो उसको ऐसा लिखा जाता है, केज़र विलियम वन, ठीक है, ये बनाए गए थे। इनकी भी पिक अभी दिखाऊंगी। और कहाँ पर बनाए गए थे, इन द हॉल्स ऑफ वर्सल्स, वर्सल्स का जो हॉल था, हॉल ऑफ मिरर, हॉल ऑफ मिरर था जहाँ पर ये फंक्शन रखा गया था कि यहाँ पर एम्परर बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसका फ़ोटो, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है मैप जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, यहाँ पर मैंने मार्क किया, ये है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, और ये जो है प्रूशिया और जर्मनी का पार्ट है जो
इन तीनों से बैटल हुआ था, वॉर हुआ था, और जीत के फिर प्रूशिया जो था और जर्मन यूनिफाइड हो गया। ठीक है, प्रूशिया जो था वो जर्मन का ही पार्ट था, हिस्टोरिकल स्टेट है प्रूशिया। ठीक है, तो ये मैप में आप देख सकते हैं डेनमार्क इधर है नॉर्थ में, और साउथ में दोनों तरफ फ्रांस और ऑस्ट्रियन एम्पायर है। यह है केजर विलियम वन, जो फर्स्ट एवर एम्परर बने थे यूनिफाइड जर्मनी के। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट एम्परर थे यूनिफाइड जर्मनी के। ये है हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स, और ये अभी का इमेज है, मतलब ये प्रेजेंट का इमेज है। यहाँ पर ये ऐसा दिखता है, ये है, और ये जो है ये उस टाइम का इमेज है जब ये जो है किंग बनाए गए थे। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं वो है विलियम वन। ठीक है, तो ये इनका हॉल ऑफ मिरर्स में ये एम्परर प्रोक्लेमेशन हुआ था। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।